गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज 7:27 अभी. और सो यस, दैट इज व्हाई आई थॉट कि आज का दिन स्पेशल है एंड लेट्स व्लॉग टुडे. ऑल्सो पूजा करनी है तो पहले मैं नहा लेती हूँ, आई गेट रेडी, फिर नीचे जाकर हम लोग फ्लावर्स लेके आएंगे, देन विल डू पूजा, फिर ब्रेकफास्ट चलते हैं एंड उसके बाद मे वी हैव अ लेक्चर एट 10:15, उसको अटेंड करते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू होल डे. जाना है, बट उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है. इफ यू आर समवन प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2024, दिस इज जस्ट फॉर यू. आपको तो पता है कैट 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट क्या आपको ये पता है कि फिजिक्स वाला एमबीए के स्टूडेंट्स, जिसमें 77 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले हैं 99 प्लस परसेंटाइल, 135 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले हैं 98 प्लस परसेंटाइल और 1800 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले हैं 90 प्लस परसेंटाइल. एंड दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टू बैचेस. लेट मी टेल यू अबाउट इट इन डिटेल. सबसे पहले बात करते हैं एमबीए पायनियर बैच की. यहाँ आपको इंडिया के टॉप टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे एंड रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल 24/7. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे विद सॉल्यूशंस. टॉकिंग अबाउट एमबीए पायनियर प्रो बैच, बाय जॉइनिंग दिस यू विल गेट फ्री एक्सेस फॉर ऑल द अपकमिंग बैचेस, इनफिनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, खजाना फीचर का एक्सेस, और ना सिर्फ कैट की बल्कि ऑल द अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जैट, मैट, स्नैप एंड मैट जैसे की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी. यहाँ आपको GDPI की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी. But you'll also get mentorship sessions from alumni of top B schools. तो बस फिर दोनों batches और उसके benefits को अच्छे से evaluate कर लीजिए and find what is suitable for you. Apart from that, अगर आपको चाहिए additional offer, so use SS200, which is my coupon code, and get an additional of 200 rupees. Links in description. How do you feel in the last 45 days at IIM? Mixed emotions. Like? समझ नहीं आ रहा क्या करें. लेक्चर करें, घूमने जाए, पार्टी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा. पढ़ाई? पढ़ाई तो होती रहेगी.
खुशांशु, लास्ट 45 डेज बाकी है कैंपस में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, घर जाने में लगेगा, थोड़ी ना नॉस्टैल्जिया आएगा। विशाल, मिस करने वाली चीज थी वो तो तेरे कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी लिख दी है हम लोगों ने, नाइट वॉक्स आने वाले। हाँ वैसे कॉलेज में नाइट वॉक्स मिक्स करेंगे। लंच करने चलते हैं अभी, आई फील रियली हंग्री एंड लेट्स गो। यू नो आज दिन में वैसे एक ही क्लास है, तो कभी कभी ना दिन में चार क्लासेस होती है और फिर दो दिन तक कुछ नहीं होता है, एंड दिस यूजुअली हैपेंस इन सेकेंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टर्म 1, 2, 3 में कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर किसी को पढ़ने ही पड़ते हैं, बट इन सेकेंड ईयर वी यूजुअली गेट चॉइसेस टू सिलेक्ट बिटवीन इलेक्टिव्स। तो हमें सेकेंड ईयर के पूरे साल में, मतलब कि 3 टर्म्स में, वी हैव टू टेक 15 सब्जेक्ट्स, तो उसको हम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमम 3 लेने पड़ते हैं एक टर्म में। सो आई हैव डिवाइडेड इट लाइक 6, 6, 3, बट कुछ लोग अपने हिसाब से 5, 5, 5 करके भी डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस एंड अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कि जो इलेक्टिव फॉर्म फ्लोट हो रहा है उसमें से कुछ पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, और इफ दे वांट टू वेट फॉर द नेक्स्ट टर्म। सो यस, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा खाली है शेड्यूल, बट या दैट्स ट्रू, थोड़ा खाली तो है। फर्स्ट ईयर में इट्स वेरी हेक्टिक, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर स्पेसिफिकली इज वेरी हेक्टिक, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, एंड इनिशियली इतनी आदत भी नहीं होती है, बट धीरे धीरे आदत लग जाती है। एंड ऑल्सो फर्स्ट ईयर में एवरीथिंग इज न्यू, यू ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, यू ट्राइंग टू डू नेटवर्किंग, यू आर न्यू टू द प्रोजेक्ट असाइनमेंट शेड्यूल, वो भी एक नई चीज़ होती है, देन यू हैव क्लब कमेटी का काम और बहुत कुछ होता है, एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर योर रेज्यूमेस फॉर समर इंटर्नशिप, फिर उसके प्रोसेसेस होते हैं, तो यस देर आर क्वाइट मेनी थिंग्स टू डू। अभी भी होता है ये सब, बट एज आई सेड कि अभी तो मेरे 3 ही इलेक्टिव्स है, पहले तो मेरे 6-7 इलेक्टिव होते थे एक ही टर्म में। सो एक तो एकेडमिक करिकुलम ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, प्लस आदत हो जाती है प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स करने की, सो यू नो द ड्रिल, दैट्स व्हाई इट्स लिटिल लेस हेक्टिक नाउ। बैक टू वर्क। Thank you.
वैसे तो आई एम विशाखापट्टनम को सनराइज आई एम बोलते हैं, कंसिडरिंग दिस इज इन द ईस्ट और बहुत जल्दी सनराइज हो जाता है सुबह. बट जस्ट लुक एट द सनसेट, इजंट इट प्रिटी? द स्काई इज, आई हैव नो वर्ड्स. I've been to a lot of beaches here in Vizag, but kabhi maine vlog mein cover nahi kiya. So I thought, why not today? So yes, today is the day we are going to the beach. But before that, I went to this place named Madras Filter Coffee, jahan par bahut original, authentic coffee maine pi. And uske baad mein, I went to a place where I ate ghee karam cheese dosa, which was the first time I had it. And oh my god. And finally, to this place where I always, always, always love to be at. My IIM life isn't just about the MBA academics, ups and downs, people, network, deadlines, learning and growth, campus or content creation. But it's also about beaches, the sunrise, sunsets and the mountains. You know, while sitting here at the beach, all I could think is life is beautiful and opportunities just like this water are endless. So never stop dreaming and believing in yourself. Also, thank you so much for watching this video, and if you like what I create, do not forget to hit the like button and do not forget to leave a beautiful comment for me, because that motivates me. Till then, take care of yourselves and see you in the next video. Bye-bye.